आज बात अलग चंदा दिहाड़ा के कोई डिसाइड की तने कि नो वोट पाना है ऐद की इंशाल्लाह बात ठीक है यार तो हां भाई वोट देने के लिए बेताब है भाई जान ये पाकिस्तानी आवाम है ये चेक करें बस तारे कपड़ के आए मामू साहब वोट डन हो गया डन हो गया लेकिन जलालत बहुत हुई बहुत ज्यादा जलालत हुई दिल की था ग्राही से वेलकम बैक हो गया आपका अनदर स्पेशल वीलॉग में। आज वोटों का दिन है, इलेक्शन डे है। जिस तरह वोट एक अमानत है, इसी तरह सब्सक्राइब का बटन भी एक अमानत। सब्सक्राइब का बटन भी एक अमानत कमाना है, तो आप जल्दी से क्लिक करके अपने भाई के 500 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादा ये की है कि मैं द्रेम में रहता हूँ, जबकि मेरा वोट जो है ना वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर चक में बनाया है। बहरहाल मैंने वोट देने लाजमी जाना है क्योंकि ये अमानत है, और अमानत जो है ना उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। नानू भी मेरे साथ है, नानू को भी लेके जाऊँगा, खुद भी जाऊँगा, मामू भी आ रहे हैं बैग पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी। बात यह है कि उस्मान भाई का वोट नहीं बना। हालांकि ये पक्के वाला सपोर्टर है। किसके सपोर्टर हो भाई जान? जिंदाबाद। इसके इस बार वोट बना है, लेकिन आईडी कार्ड बना है, अगली बार इसका वोट बनेगा। मामू जान वोट आपने भी देने जाना है, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ, आप फिर बाद में आ जाइएगा। वोट आपने जिसको भी देना ना, अभी नहीं बताना, ठीक हो गया? ठीक हो गया। बात ठीक है यार, बात ये मामू बांधे जो है ना, आप गाने शुरू हो गए हैं कि पर्दे में रहने दो, तो मैंने भी अभी तक पर्दा नहीं उठाया, ठीक है। लारी खड़ी है, चल भाई शहजादी। ये पर्चियां मैं खुद ही जाके ले आया था, मैंने कहा वहाँ दलील होने की जरूरत नहीं है, इन पर अब जो है ना डेटा शेटा लिखेंगे। ये देखना चार पर्चियां, यानी कि मेरे साथ वोट चार जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू जान। वालेकुम अस्सलाम जी, और सुनाओ क्या हाल चाल है? ठीक हो? बड़ा करम है, शुक्र है। आज बात इलेक्शन का दिहाड़ा के कोई डिसाइड की तने कि नु वोट पाना है ऐद की। इंशाल्लाह खान नियाज़ीन पाना। जिंदाबाद हो गया चाचा, खान नियाज़ीन वोट पाना, जिंदाबाद। भाई चाचे तो आंदा से था चाचे खान नु वोट पाना, ते मेरा आज तक जड़ा है ना, मैं वोट जिस समय देख आया उस टाइम ही तो आंदा से ऐसा। अस्सलाम वालेकुम अदर भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा यार, वोट देना है आपका, वोट इधर ही बना है या किधर बना है, किस इलाके में? इधर ही है। तो वोट आपने किसको देना है अभी नहीं बताना, जब वोट देके आएंगे फिर बताएंगे, ठीक है? ओके फिर मिलते हैं। इधर आ जाओ, आपने नहीं वोट देने आना, आ जाओ, चलो आ जाओ, मिल के चलते हैं। इधर हाथ पकड़ो ना मेरा, चलो आ जाओ। हाँ ये देखना भाईजान, हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, ये चेक करें। मेरे साथ भाग रही है क्या? हो मैंने भी आना है वोट देने के लिए। चलो इधर खड़े हो ना, इधर खड़े हो के बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, आप आ जाना, ठीक है? भाई जान मैं तो वोट देने के लिए जा रहा हूँ, सानी भी मेरे साथ बैठी है, अभी तो निकले ही हूँ, तकरीबन 4-5 किलोमीटर का बस किया होगा, बल्कि 3-4 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर रहता है वहाँ पहुँच के आपसे मुलाकात होती है। 88 में आ गए हैं। वैसे यार ये छोटा सा ही जो है ना वो गांव टाइप ही है, तो इधर तो ये देखे ना, ये वाला इलाका तीर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेने के लिए भी आ रहे थे, लेकिन हमने कहा है कि नहीं हम आ जाएंगे। टेंट आओ जी, मामू जान पहुँच आए हैं जी, पहुँच आए, चलो शुक्र है। अभी फिर खाना खाना खा के वोट देने जाएंगे। आप नहीं गए अभी तक? नहीं, ठीक है, गए हम आपका वेट कर रहे थे। पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। बिरयानी रेडी है, रायता भी रेडी है, लेकिन पहले जो है ना वो वोट देंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, ठीक है ना? पहले मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, लेकिन नहीं, आप वोट वाला काम क्लियर करते हैं। आप चलते हैं, एक मिनट भाई, बहन पढ़ो, चलो जान दो। हाँ जी, ओके भाई, वेलकम। पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाए हैं, ठीक है। तो पहला वोट है यार, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, बहरहाल वोट आपको भी देना है। अभी आपको आगे ना बताता हूँ, मैंने पर्ची क्षेत्रीय डान की हुई है, ठीक है। आवाम भाई अपना फ़र्ज निभाने के लिए पहुँची हुई है भाई, आवाम काफ़ी आई हुई है, छोटा सा चक, लेकिन आवाम देखें आप, बड़ी यार देर हो जानी है यहाँ तो। फिर हम अपनी VIP पर्चियाँ बना के ले आए थे, लेकिन उन्होंने कहा सादी पर्ची पर ही काम और लाइन में भी लगना पड़ेगा। भाई वोट देने के लिए बेताब है।
भाई पहले इस पर तस्दीक करवानी है, उसके बाद फिर सेकंड वाली लाइन में जाना है और फिर जो है ना वो पंपलेट वगैरह मिलेगा। भाई जान ये पाकिस्तानी आवाम है, ये चेक करें बस तरतीब से सारे जो है ना प्यार मोहब्बत से चले तो काम क्लियर हो जाना है। बरल कोई नहीं इतने उतने हलहाल को नहीं, सारे जनाब एक जाए सारे देखे ना तस्दीक हो गई है। ये निशान लगना था वो लग गया है, अभी इस लाइन में लग के बेल्ट पेपर लेना है और उसके बाद जो है ना वो फिर अगला काम आपको बताते हैं। डेढ़ घंटा टाइम रह गया है, जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है इसी तरह आवाम जो है ना वो ज़्यादा आती जा रही है। मुझे नहीं लगता आज हमारा वोट जो है ना वो कास्ट होगा यहाँ पर। अपना फर्ज निभा दिया है, पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। पहला वोट था, 1 बजे लाइन में लगे हैं और अब 5 होने वाले, 4 घंटे के बाद बारी आई है। मामू साहब वोट डन हो गया, वोट डन हो गया, लेकिन जलालत बहुत हुई, बहुत ज्यादा जलालत हुई है, बहुत काम किया उधर ही दिया है वोट जिधर मैंने, बेशक बेशक मैंने तो वीडियो भी बना लिया, पता भी नहीं चला, कोई मुश्किल नहीं। आप बता दे वोट किसको दिया? मेरी बेटी भी गिर गई वोट की खाते। अब वोट ओए होए, ये देखो बच्चा बेचारा वोट के चक्कर में उस है। मामू जान वोट फिर किसको दिया है? वोट इमरान खान को, मैंने भी इमरान खान को देना। आवाम जो है ना अभी रहती है बहुत ज्यादा, 5:20 हो चुके हैं। हाँ जी जानो क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो? देखो ना वोट के चक्कर में ये बेचारी गिरी है और इसका बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो यार अभी तक आप इन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से इनको लाइक करें वीडियो को। बिरयानी जो है वो आप भी खाएंगे क्योंकि आप तो दोपहर का खाना ही नहीं, अब शाम का खाना खा के चलते हैं घर। अगर इमरान खान से मोहब्बत ना होती तो यकीन माने मैंने वोट देने के लिए कोई नहीं आना था। आप देखे ना इतनी रात हो गई है तो यकीन माने मैंने इतना दूर वोट देने के लिए कोई नहीं आना था। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, बस अब यही दुआ है कि इमरान खान जो है ना वो वज़ीर आज़म बने और इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेगा। लो जी दिन हुआ ख़त्म, तकरीबन 6 बज रहे हैं और अभी भी रश काफ़ी है, औरतें भी रहती हैं और मर्द भी रहते हैं जिन्होंने वोट अभी डालना है, जिस चक में मैं आया हूँ बाकियों का नहीं पता। और वोट जो है वो मैंने इमानत थी वो मैंने पीटीआई को दे दी है, दिली तौर पर बिल्कुल कोई किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपने वोट पीटीआई को देना है। मेरा भाई दे ला पीटीआई के साथ, हाँ मेरे अबू जान है उन्होंने कहा था कि वोट पीटीआई को देना है, मैंने कहा ठीक है और दोनों वोट, ये नहीं कि एक वोट उसको और इसको, ये वाला सीन को नहीं था। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 5 से सब्सक्राइबर इस वीडियो को बात पूरे करवा देना। ओके अल्लाह हाफिज़।